हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ क्लास 7 लेसन 4 पेज नंबर 39। फर्स्ट इज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट इज ए रिलायबल मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिफर्ड टू एज, ऑप्शन बी टेम्परेचर सही है। सेकेंड है ए डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर, ऑप्शन बी थर्मोमीटर सही है। थर्ड क्वेश्चन है इन ए सेल्सियस स्केल बेस्ड क्लिनिकल थर्मामीटर वी मेजर टेम्परेचर फ्रॉम, ऑप्शन ए 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस सही है। अब स्टूडेंट्स पेज नंबर 40। फोर्थ क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो इसमें ऑप्शन ए एयर सही है। फिफ्थ है सी ब्रीज इज ए विंड फ्रॉम, ऑप्शन ए सी टू लैंड, यह सही है। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी कम अक्रॉस ए नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स डेली। सेकेंड है थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। थर्ड है द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और अबव 42 डिग्री सेल्सियस। फोर्थ क्वेश्चन है द मर्करी इन द थर्मोमीटर शुड बी केयरफुली हैंडल्ड। फिफ्थ है वी वियर वूलन क्लॉथ्स इन विंटर। नाउ मैच द कॉलम क्वेश्चन। फर्स्ट है लैंड ब्रीज, फर्स्ट में ऑप्शन बी रहेगा स्टूडेंट्स, नाइट में होता है ये। सेकंड है सी ब्रिज, इसमें ऑप्शन सी डे सही है। थर्ड है डार्क कलर्ड क्लॉथ्स, तो थर्ड में ई विंटर में हम लोग पहनते हैं। फोर्थ है लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, तो इसमें डी समर। और फिफ्थ है फॉरेनहाइट स्केल, इसमें ऑप्शन ए 94 डिग्री फॉरेनहाइट टू 108 डिग्री फॉरेनहाइट। नाउ ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन स्टूडेंट्स। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 डिग्री फारेनहाइट, ये ट्रू है, एक्चुअली होता है ये 98.6। सेकेंड है हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड इन गैसेज, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि गैसेज में कन्वेक्शन से हीट का ट्रांसफर होता है। ऑप्शन थर्ड है वी वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स इन समर, यह ट्रू है। फोर्थ है स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन आउटसाइड द बल्ब, यह ट्रू है। फिफ्थ है ड्यूरिंग द नाइट द एयर अदर देन द लैंड बिकम्स हॉटर एंड राइजेज अप, ये फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि लैंड की एयर दिन के समय गर्म होती है। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन इंसर्ट, विच थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर बॉडी टेम्परेचर, तो क्लिनिकल थर्मोमीटर इसका आंसर है। सेकेंड है राइट द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तो डिग्री सेल्सियस और डिग्री फारेनहाइट। थर्ड है स्टेट द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड फारेनहाइट स्केल, तो सेल्सियस स्केल में 37 डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट स्केल में 98.6 डिग्री फारेनहाइट। फोर्थ क्वेश्चन है गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ कंडक्टर्स, तो कॉपर और सिल्वर। फिफ्थ है डिफाइन रेडिएशन, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर लिख लीजिए प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम सन टू अर्थ इज कॉल्ड रेडिएशन। अब स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 41 देखते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल। व्हाट डू यू मीन बाय टेम्परेचर, नेम द डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स, तो इसका आंसर स्टूडेंट्स पेज नंबर 32 पर है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस आर कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और बॉडी, और इसका मेजरिंग टेम्परेचर स्केल मेजर करने की जो यूनिट्स होती हैं वो होती हैं डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट और डिग्री केल्विन, आप पढ़ करके लिख लीजिएगा। सेकंड है स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन क्लिनिकल थर्मामीटर एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो इसमें पहला डिफरेंस ये होता है स्टूडेंट्स कि क्लिनिकल थर्मामीटर से हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर नापते हैं, और थर्मोमीटर से जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होता है उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक का है उसको हम मेजर कर सकते हैं। अगला है डिफरेंस इनमें कि क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज होती है वह 35 से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो रेंज होती है वह -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होती है। तो ये कुछ डिफरेंसेज हैं स्टूडेंट्स, पढ़ के इसको लिख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज मर्करी प्रीफर्ड एज ए थर्मोमीटर लिक्विड, तो स्टूडेंट इसका आंसर लिखिए। थर्मामीटर इज मर्करी इज प्रीफर्ड टू फिल इन द थर्मोमीटर एज लिक्विड बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव टू चेंज इन टेम्परेचर एंड
contract or expand when a very little change in temperature occurs. अगला स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फोर्थ, हाउ डज ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स. तो पेज नंबर 35 पर इसका आंसर दिया गया है कि सॉलिड्स में ट्रांसफर जो होता है वह कंडक्शन मेथड से होता है. इसमें आप लोग एक्टिविटी 6 जो दी गई है इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा. फिफ्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. तो इसका आंसर पेज नंबर 35, 36 और 37 पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स. कंडक्शन, इसमें हीट का ट्रांसफ़र केवल सॉलिड में होता है और मॉलिक्यूल्स अपने स्थान पर बने रहते हैं, अपने स्थान पर रह करके हीट का ट्रांसफ़र करते हैं. कन्वेक्शन मेथड से हीट का ट्रांसफ़र लिक्विड और गैसेज में होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करके वो अपना स्थान छोड़ देते हैं और उनकी जगह दूसरे ठंडे मॉलिक्यूल्स आते हैं, वह भी हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना स्थान छोड़ देते हैं. तो इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के ट्रांसफ़र से जो हीट का ट्रांसफ़र होता है उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. और रेडिएशन मेथड में बिना किसी मीडियम के हीट का ट्रांसफ़र होता है, जैसे सन से हीट का ट्रांसफ़र अर्थ तक होता है, यह रेडिएशन मेथड से होता है. तो स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान से पढ़ के क्वेश्चंस का आंसर आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिख लीजिएगा. थैंक यू.